क्या बोले हम, जय भीम जय भीम, जय तेलंगाना जय फलस्तीन, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुश्किल में फंस गए हैं। सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन बोलने पर रार हो गई। ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति से भी शिकायत की गई। आपको बता दें कि ओवैसी हैदराबाद से सांसद चुने गए। 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह था। अपना नंबर आने पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सांसद की शपथ ली, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस पर सियासी बवाल हो गया। ओवैसी ने शपथ से पहले बिस्मिल्ला पढ़ा और उर्दू में शपथ ली, लेकिन शपथ के बाद उन्होंने जय भीम जय मीम जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी के नारे के बाद कई सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम जय भीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं, अरे सबने क्या क्या कहा वो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जत करा रहे हैं। अब हम उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। आपने सुना नहीं अभी क्या क्या, लेकिन आपके आपके आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। इस बीच ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक पोस्ट में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग हुई। जय फिलिस्तीन के नारे पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने इसकी निंदा की। किशन रेड्डी ने कहा कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिया गया जय फिलिस्तीन का नारा गलत है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। वो भारत में रहते हुए भारत माता की जय नहीं कहते हैं।